एक तरफ तो हम लोग चिंतित थे, रामनवमी आ रही है, धार्मिक उत्सव आ रहे हैं और पता नहीं ये करौली की घटना हुई है, कहीं और घटना बढ़ नहीं जाए। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस विभाग ने, डीजी साहब ने खुद ने जो है जो ब्रीफिंग की मेरे सामने, स्पीच की, होम सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग करी, ऐसी स्थिति बन गई पूरे एसपी ने, जो पुलिस का कप्तान होता है जिले का, चाक चौबंद व्यवस्था करी कि रामनवमी जुलूस के अंदर सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए, स्वागत किए और एक जगह घटना नहीं हुई। और देश के अंदर अनेकों राज्यों के अंदर दंगे भड़क गए, आग लग गई और उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी? जो निर्दोष भी है उसके अंदर, एक तरफ हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उसका पर। एक आप बताइए बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी? कल रात को मैं देख रहा था टीवी, क्या क्या मकान किस रूप में गिराए गए हैं, क्या वो रो रहे थे? गरीब लोग थे वो, और आपने कह दिया कि तो उनके नाम आ गए अभियोग के अंदर, अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास नहीं। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे ना, हो सकता है उनको भुगतना पड़े, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है। उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। जुडिशरी पे, CBI, ED, इनकम टैक्स सब छापे पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? ये देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर नौजवानों को समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, वरना वो भुगतेंगे आने वाले जमाने के अंदर। बहुत हालात खराब है देश का। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया और आज देखिए अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं, सरदार पटेल की, कभी सरदार पटेल ने तो RSS पे बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग, इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है।